हेलो दोस्तों, आपने अगर कोविड वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट कर चुका है, दोनों डोज ले चुका है और आपने सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर चुका है, लेकिन सर्टिफिकेट में आपका नाम में या तो डेट ऑफ बर्थ में या तो जेंडर में कुछ मिस्टेक है, तो ऐसे में आप अगर कोई ट्रेवल कर रहा है और उस सर्टिफिकेट को कोई दिखाने का जरूरत पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में काफी लोगों का मिस्टेक आ रखा है, अपना नाम में मिस्टेक, जेंडर में मिस्टेक या तो डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो ही रखा है। तो ऐसे में कोई आपको इंडिया के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर ही अगर आपको एयर ट्रेवल करना है या तो रेलवे में ट्रेवल करना है, किसी किसी स्टेट में आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो अगर दिखाएगा तो उसमें आपका नाम गलत हो रखा है। तो मैं इस मामले में जो कोविन का जो कस्टमर सर्विस है उस नंबर पे मैं फोन किया था 1075, आप भी करके देख सकता है। मैं बताया था कि मेरा सर्टिफिकेट में गलत है तो मुझे करेक्शन कराना है, लेकिन उन लोगों ने बताया कि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है सर्टिफिकेट करेक्शन करने का, नाम में करेक्शन करने का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जहां भी आप जाएंगे कोई अगर सर्टिफिकेट दिखाना है तो सर्टिफिकेट में जो आपका आईडी प्रूफ लगा हुआ है, मान लीजिए आपने आधार कार्ड लगा रखा है, मान लीजिए पैन कार्ड लगा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपने लगा रखा है वो नंबर टू सर्टिफिकेट में छपा हुआ रहता है। और आप अगर ओरिजिनली वो कागज दिखाएगा, ओरिजिनली वो डॉक्यूमेंट आप अगर शो करेगा सर्टिफिकेट के साथ, वो पकड़ लेगा कि आपका ये मिस्टेक है, क्योंकि आपका जो आईडी प्रूफ नंबर और आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ है उसमें जो चीज है तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है सर्टिफिकेट में, और वही आदमी आप हैं, आप दूसरा कोई दूसरा नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाता है। तो अगर आप कोई घूम रहे हैं, कोई ट्रेवल कर रहे हैं और आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में गलत है, तो आप उस आईडी को ले जाइए जो आईडी दिखा के आप कोविड वैक्सीनेशन लिया था, जो आईडी आप रजिस्ट्रेशन में दिया था। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छा लगा होंगे, क्योंकि मुझे जानकारी मिला था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर यह जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।